السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مدینہ منورہ میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، ایک قبیلے کا نام بنو قینقہ تھا، یہ تو مدینہ منورہ کے اندر رہائش پذیر تھا، باقی بنو قریظہ اور بنو نذیر بنو قریظہ یہ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، اسی طرح تقریباً 1.5 یا 2 میل کے فاصلے پر یہ بنو نذیر تھے۔ بنو نذیر کی آبادی بالکل مدینہ منورہ کے ساتھ ملتی جلتی، اسی لیے بعض مورخین نے یہ بات کہی ہے کہ بنو نذیر بھی مدینہ منورہ کے اندر رہائش پذیر تھے۔ اور یہ بنو قینقہ اصل میں یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، جب نصارہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ان کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور یہاں مدینہ منورہ آ کے آباد ہو گئے۔ قین کہتے ہیں سنت ساز کو، جو چیز کسی
जो चीज ना जो आदमी किसी चीज को बनाए सनअत साथ, और का कहते हैं बागात को, खेती बाड़ी को। इनके नाम से ये वादे होता है कि ये बनु कैनका कबीला जो था, इसके दो कारोबार थे, खेती बाड़ी में भी ये माहिर थे, जेवरात और असला साजी में भी ये माहिर थे। यानी शुरू से ही यहूद ने दो चीजें अपने कब्जे में रखने की कोशिश की है। जब तक ये दोनों चीजें उनके कब्जे में रही हैं तो वो मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करते रहे हैं, और जुल्म भी ऐसा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती थी। दो चीजें कौन सी? करंसी और सनअत, असला साजी। आज भी देख लें इन दोनों चीजों पर यहूद का कंट्रोल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो सबसे ज्यादा मदीना मुनव्वरा के अंदर इन यहूदी कबाइल में से जिस कबीले ने आपको परेशान किया है वो बनु कैनका कबीला था, क्योंकि इनका ज़ोम था कि असलह भी हमारे पास है, करंसी भी हमारे पास है, और ये हकीकत भी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने मीसाक़े मदीना जो था उसके रूबे रवा भी यही बनु कैनका थे, और साथ फिर दूसरे यहूद कबीलों को भी शामिल कर लिया गया है। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक वादा हो गया कि जिसमें दो शिक्के बड़ी अहम थी। सबसे पहली शिक ये थी कि मुसलमान हो या यहूदी हो, हर कोई अपने मजहब पर कायम रहते हुए अपनी मजहबी रसूमात जो है वो अदा कर सकेगा। और दूसरी शिक ये थी कि मदीना मुनव्वरा का दिफा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होगी, और इन मुआमिलात को देखने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और बनु कैनका ने सबसे पहले मैदान बदर में मुसलमानों से गद्दारी की, यानी ये मुआहदे के बावजूद भी साथ नहीं गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर फरमाया जब आपने दरगुजर फरमाया तो ये और दलेर हो गए, इनके हौसले बुलंद हो गए। इन्होंने एक मुसलमान औरत जो इनके पास जेवर के लिए गई थी,
उसके साथ गैर अखलाकी हरकत ये की कि वो बापर्दा होकर गई थी तो इनके एक आदमी ने उसकी चद्दर को पीछे से बांध दिया किसी चीज के साथ। जब वो फारिग हुई तो एक तो वो बेपर्दा हुई और दूसरा वो गिर पड़ी जमीन पर। ये मंजर एक मुसलमान देख रहा था कि इन्होंने एक मुसलमान बहन के साथ ये शरारत की है। वो आगे बढ़ा, मुआमला जो था वो तो तकरार पर पहुंचा, हत्ता के लड़ाई शुरू हो गई। उस मुसलमान के हाथों यहूदी कत्ल हुए। जब यहूदी कत्ल हुआ तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसास का मुतालबा करने लगे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात का इलम हुआ तो आपने फरमाया कि ये शरारत तुमने की है, इस कत्ल के जिम्मेदार भी तुम हो। हमारा और तुम्हारा ये मौदा था कि हम एक दूसरे की इज्जत के मुहाफिज हैं, तुमने मुसलमानों की औरत के साथ ये सलूक किया, लिहाजा तुमने ये मुआहदा खुद तोड़ा है। इस जुर्म की पलाश मुआमला जब आगे बढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया, या तो जंग के लिए तैयार हो जाए या फिर मदीना मुरमरा छोड़कर कहीं और जगह चले जाए। पहले तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियां देने लगे कि आप हमारी जंगी महारत से वाकिफ नहीं हैं। वो कुफारे मक्का थे, वो कुरैश थे जिनको आपने शिकस्त दे दी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरे मुसलमानों का इन्हें आजम देखा तो फिर ये कहने लगे जी हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे, हमें आप इस शर्त से पर मुआफ कर दें कि हम जलावतन हो जाते हैं। ये मदीना मुनव्वरा से जलावतन होकर खैबर में आबाद हो गए। अब जो बनू नजीर थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की 3 मरतबा कोशिश की। वो उनकी कोशिश साजिश नाकाम हुई। उस साजिश के बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी जला वतन कर दिया। बाकी रह गए बनू कुरैज़ा। फिर ये शरारतें करने लगे और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मुआहदा किया कि अब हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इस मुआहदे की कुछ देर बाद जंगे खंदक का मौका आता है।
तो ये उस मुआहदे के मुताबिक पाबंद थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तआवुन करें, मुसलमानों का तआवुन करें। लेकिन ये ऐन मौका पर पहले तआवुन की यकीन दहानी कराते रहे, जब वक्त आया तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो इनका ये जुर्म इतना बड़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक से फारिग होकर जब हथियार उतार दिए तो जिब्रील अमीन अलैहि सलातु वस्सलाम आसमान से नाजिल होते हैं, अपने जिस्म पर हथियार ज़ेब तंग हैं, आकर के अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैंने और दूसरे फरिश्तों ने अभी हथियार नहीं उतारे, आपने क्यों उतार दिए हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि जिब्रील, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? तो जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, आप अपने सहाबा को हुक्म दें कि असर की नमाज ये बनु कुरैज़ा में जाके पढ़ें, आप बनु कुरैज़ा की तरफ चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, हत्ता के इस जुर्म के मुकाबले में बनु कुरैज़ा के मर्द बच्चे और वो बूढ़े जो जंगों के अंदर शरीक हुआ करते, जो मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंदी किया करते, इन सब को एक वक्त में कत्ल कर दिया गया। तो ये थोड़ी सी तारीख मैंने इसलिए बयान की है कि यहूद जो हैं ये हमेशा शरारती रहे हैं, हर दौर में जो भी फितना उठता है वो उस फितने के मूजब असल में ये होते हैं। आज भी दुनिया में जितने फितने हैं आप उनकी बैकग्राउंड देख लें, उनकी तारीख देख लें, उनके पीछे आपको यहूद नजर आएंगे। तो फलस्तीन में कब तक जुल्म होता रहा, वहां के मुसलमान इस तरह ज़बह होते रहे कि जैसे मूली और गाजर को काटा जाता है। कश्मीर में भी यही हाल था, बर्मा में भी यही हाल है। बर्मा के अंदर क्या हालात हैं कि माओं के सामने मुसलमान बच्चों को उस तरह ज़बह किया जाता है कि जैसे फिरौन बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह करता था। उनका जुर्म क्या है? उन्हें कहा जाता है कि तुम कलमा का इनकार कर दो, हिंदुइज्म कबूल कर लो। वो जब कलमा की शहादत देते हैं तो उन्हें आग में जला दिया जाता है। बर्मा में अभी भी ये हालात हैं और फलस्तीन के हालात वो भी आपकी आंखों के सामने हैं, और कश्मीर के हालात वो भी आपकी आंखों के सामने हैं। और दूसरी तरफ हालात क्या हैं कि बड़ी बड़ी आलमे ताकत सारा कुफर इसराइल की पुश्त पर खड़ा है और मुसलमान सवाए जमा खर्च के और कुछ नहीं कर रहे।
अपनी जबान के साथ भी उन मजलूमों की हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उस्वा नहीं था। आपका उस्वा तो ये है कि अगर एक मुसलमान बेटी की इज्जत पामाल होती है तो जिन यहूद ने वो इज्जत पामाल की मुसलमान बेटी के सर से दुपट्टा उतारा, उसकी सजा ये दी गई कि उन्हें कहा गया कि यहां से तुम जलावतन हो जाओ, तुम यहां नहीं रह सकते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वाए हसना है। आज हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अलमिया ये है कि हमारी अखलाकी मदद भी उनके साथ नहीं। ये काम हुकूमतों का है, मुसलमान ममालिक का है, मुसलमान ममालिक के हुक्मरान जो हैं वो गफलत की नींद सोए हुए हैं। अभी वक्त है, बेदार हो जाओ। अगर तुम बेदार ना हुए तो वो एक एक को करके मारेंगे। पहले आपने मार खाई है ना, हर कोई समझता है चलो मुझे तो कुछ नहीं ना हो रहा। भाई आप देखें, आपकी बीमारी आने वाली है, इसलिए होश के नाखून लें। खास करके हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए ये अपनी जिम्मेदारी अदा करे, क्योंकि मजमूई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान जो है ये एक एटमी मुल्क की सरबराह है। इनके पास एटमी ताकत है जो किसी और मुसलमान मुल्कों में से किसी के पास नहीं है। इसलिए आपकी आवाज आलमी ताकत होने की वजह से एक मुअस्सर आवाज है। लेकिन अजीब बात है, उधर मुसलमान शहीद किए जा रहे हैं, उनकी नाकाबंदी है, ना वहां पानी जा सकता है, ना खुराक जा सकती है, और वहां खाना भी नहीं जा सकता। अब जो इत्तलाआत हैं सिर्फ उनके पास गज़ा में पीने के लिए पानी मौजूद है, वो कब तक चलेगा? यानी हर किस्म का रास्ता मुनक़ते है लेकिन हम गफलत की नींद सोए हुए हैं। अल्लाह के लिए जागें, अपने फराइज समझें। जो अल्लाह ने आप पे जिम्मेदारी आयद की है उस जिम्मेदारी का एहसास करें। खास करके मैं अपनी हुकूमत को कहना चाहता हूं कि इन मजलूम भाइयों के लिए, क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए अगर आज आपने आवाज बुलंद न की तो कब आवाज बुलंद करेंगे? आपको उन मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। अब देख लें, हराम है कि किसी सियासी लीडर का उन मजलूमों के हक में बयान आया हो। अगर बयान आता है फलस्तीनियों को जो पहले मजलूम हैं, उनको हम अखलाकियात सिखाते हैं, उनको अखलाकियात का सबक देते हैं, लेकिन ये मुनाफ़त नहीं तो और है क्या? एक तो वो मजलूम है, अब मजलूम अगर शोर डालता है तो वो दहशत गर्द कहलाता है, आप ही उनको दहशत गर्द कहते हैं। ये कितनी अजीब बात है कि उधर बनी इसराइल के कुरान मजीद आप उठा के देख लें, अल्लाह फरमाते हैं कि युकत्तिलून अबनाकुम व यस्तहयून निसाकुम,
और किसी मुकाम पर फरमाया युज़बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, फिरौन जो था वो बनी इसराइल के बच्चों के टुकड़े टुकड़े किया करता था माओं के सामने, और कभी बच्चों को ज़बह करता, पहले ज़बह करता फिर टुकड़े टुकड़े करता। अगर ये जुल्म पर शोर मचाते तो कहा जाता ये दहशतगर्द है। कुरान के ये अल्फाज हैं, आप सूरह कसस उठा के देख लें, अल्लाह के लिए मुताला करें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये बनी इसराइल कहते कि हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, तो आवाज आती इनको मारो ये दहशत गर्द है। आज भी मजलूम अगर आवाज बुलंद करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये दहशत गर्द। मेरे भाइयों, हमें भी उनके साथ तआवुन करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा तआवुन ये है, वहां हम जा तो नहीं सकते, माली इमदाद का भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं, मुअस्सर ज़रिया नहीं कि हम यकीन से कह सके कि माली इमदाद उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, हम उनके लिए खलूस दिल से दुआ तो कर सकते हैं। और उनका जुल्म देखकर हम अपने मालिक के सामने आजिज़ी तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी अजीब मुआमला है कि उधर जुल्म होता है तो मुसलमानों की अखलाकी हालत सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ती चली जाती है। तो जब हालात ये होंगे, हम इन हालात में भी अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं बरसेगी, तो फिर आप ये ना कहें कि फलस्तीन वालों के साथ इस तरह हो रहा है। आप तैयार हो जाएं, आपके साथ भी वही कुछ होगा कि जो मंजर आप आंखों के अपनी आंखों से देखकर उस पर खामोशी इख्तियार करते, ये कुदरत का फैसला है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आप तारीख उठाएं, कुरान मजीद के औराक का मुताला करके देखें, अगर आप जुल्म से महफूज होना चाहते हैं, आप जो उनसे तआवुन कर सकते हैं वो तआवुन करें, उस जुल्म को जुल्म समझें, उससे नफरत करें। जो लोग जालिम हैं उनसे नफरत करें, उनसे नफरत करते हुए सबसे पहले उनके कल्चर को खैराबाद कह दें। ये अजीब मामला है, हम उनको जालिम भी कहते हैं, हम उनको गासिब भी कहते हैं, इस्तेमार भी उनको कहते हैं, लेकिन उनके कल्चर को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जरा गौर करें कि हम किधर जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अगर तुम इस दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी का रास्ता सिर्फ एक है, कुल इन्ना हुदल्लाहे हुवल हुदा, वो नबी की सीरत है, नबी का तरीका है, नबी का उस्वाए हसना है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम दुआओं का सिलसिला शुरू करें, उनके लिए दुआ भी करें और उनके कल्चर से नफरत का इजहार करें। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हुकूमत की जो जिम्मेदारी है
हकूमत को चाहिए कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। उन मजलूम मुसलमानों की पुश्त पर ये हकूमतें खड़ी हों, ये मुसलमान हकूमतों का फर्ज बनता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये ज़्यादा फर्ज बनता है हमारी हकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और गौर फिक्र करने की, अपनी जिम्मेदारी पर निभाने की तौफीक अता फरमाए।